नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे साकेत का काव्य सौंदर्य। मैथिली शरणगुप्त भारतीय सांस्कृतिक गौरव और राष्ट्रीयता के गायक कवि थे। वे मानवतावाद के ऐसे कवि हैं जिन्होंने रचनाओं में भारतीय इतिहास, धर्म और संस्कृति अपने उदात्त रूप में अभिव्यंजना पाती है। गुप्त जी नर और नारायण भाव के कवि हैं। विराट विश्व में जो नारायण है, व्यक्ति केंद्र में वही नर है। इस प्रकार नर में नारायणत्व का उन्मेष और नर का उदात्तीकरण और सांस्कृतिकरण ही गुप्त जी के कविकर्म का उद्देश्य रहा है। नवीन पाश्चात्य चिंतन के अनुसार भी नर ही जगत में श्रेष्ठतर है और मनुष्य जीवन की मुक्ति ही सभ्यताओं और विकास का उद्देश्य होना चाहिए। पाश्चात्य सभ्यता जहाँ मनुष्य की भौतिक मुक्ति की बात करती है, वहीं भारतीय संस्कृति मनुष्य की आंतरिक मुक्ति की कामना करती है। वेदव्यास जी की उक्ति का यदि अनुवाद किया जाए तो रहस्य की बात यह है कि मानव से श्रेष्ठतर इस जगत में कुछ भी नहीं है, ऐसा संदेश उन्होंने अपने ग्रंथ में दिया है। इस प्रकार व्यास जी ने मानव जीवन की उद्देश्य और गरिमा दोनों को उद्घोष किया है। गुप्त जी के समय काव्य सृजन में मनुष्य के प्रति उनकी यही दृष्टि व्यक्त हुई है। गुप्त जी के काव्य की मूल प्रेरणा का स्रोत वह आदर्श लोक है जिसमें मनुष्य जीवन का उन्नयन और कल्याण की प्रतिष्ठा है। उसमें इस जगत के ठुकराया नहीं गया है, वरन जगत की महत्ता को स्वीकार करते हुए दया, करुणा, सौहार्द, संयम, तप और सेवा, परोपकार आदि भावों का सतत विकास की कामना करें इस जगत को स्वर बनाने की चेष्टा की गई है। मैथिली शरणगुप्त में साकेत के अष्टम सर्ग में लिखा है कि भव में नव वैभव प्राप्त करने आया, नर को ईश्वरता प्राप्त करना कराने लाया, संदेश यह में नहीं स्वर्ग से लाया, इस भूतल को ईश्वर बनाने आया, इस कर्म में जगत की परिश्रम और उच्च मानवता के गुणों से का विकास करी स्वर्ग बनाया जा सकता है, ऐसा संदेश उन्होंने दिया। साकेत खड़ी बोली का गौरव ग्रंथ है, गुप्त जी की अमर कृति है जिसकी रचना उन्होंने कई वर्षों तक की। कवि ने इस महाकाव्य की रचना महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध कवियों की उर्मिला विषय उदासीनता से प्रेरित होकर के की। गुप्त जी ने इस महाकाव्य में उर्मिला के प्रति न्याय करने का प्रयत्न किया है। साकेत खड़ी बोली का गौरव ग्रंथ है, ये गुप्त जी की अमर कृति है जिसकी रचना उन्होंने कई वर्षों तक की। साकेत अयोध्या का दूसरा नाम है। गुप्त जी ने साकेत की सारी घटनाएं साकेत में केंद्रित दिखाई है। गुप्त जी श्री राम के साथ नहीं चलते, वरन काव्य की नायिका उर्मिला के साथ साकेत नगरी में आसन जमाते हैं। यदि वे चित्रकूट जाने का अवसर पाते भी हैं तो समस्त साकेत के साथ संप्रति साकेत समाज यही सारा कहकर इस नगरी का महत्व बढ़ाते हैं। इस प्रकार साकेत के रंगमंच की सारी घटनाएं घटित हो जाती है। स्थान एक एक की ये तकनीक कवि की अपनी मौलिकता है। ग्रंथ का आरंभ उर्मिला लक्ष्मण के वाक विनोद से होता है जिसके माध्यम से श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी सूचित हो जाती है। गुप्त जी ने लक्ष्मण उर्मिला संवाद के रूप में नवविवाहित दंपति के हास प्रयास के बीच कथा संकेत देते हुए भी नवीन उद्भावना दी है कि वह काव्य सौंदर्य का अद्भुत नमूना है। उसमें काव्य के आरंभ में ही मानवीय सहजता और स्वाभाविकता का समावेश हो गया। सिंह द्वार पर बांसुरी बज रही है, पंजरस्त कीर उसका अनुकरण कर रहा है। अचानक उसकी दृष्टि उर्मिला पर पड़ी और वह चुप हो गया। ये देख करके उर्मिला ने कहा, रे सुभाषी बोल चुप क्यों हो रहा। अचानक पीछे से उर्मिला लक्ष्मण जी आ पहुँचे और उर्मिला की सुंदरता का प्रत्यक्ष बखान करने लगे कि पार्श्व से सौमित्र आ पहुँचे तभी और बोले, लो बता दूँ ये अभी, नाक का मोती अधर की कांति से भीम दाड़िन को समझकर भ्रांति से देखकर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख वह कौन है। कथा की गति में सहजता लाने के लिए लक्ष्मण उर्मिला संवाद की जिस नाटकीय स्थिति को गुप्त जी ने कल्पना की है वह न केवल नव दंपति के प्रेमानुराग की व्यक्त करती है अपितु प्रत्युत भावी घटनाओं का भी संकेत देती है।
कल प्रिय निज आर्य का अभिषेक है, ये सभी आनंद का अतिरेक है। उर्मिला ने श्री राम के राज्याभिषेक का एक मनोहारी चित्र बनाया है जो लक्ष्मण जी को दिखाती है। लक्ष्मण उसे देख करके रह जाते हैं। चित्र में सदी हुई तुलिका के माध्यम से उर्मिला के भावों और वर्णों का अद्भुत सामंजस्य अंकित किया गया है। चित्र की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए लक्ष्मण जी ने उस उद्गार व्यक्त किए हैं, वह क्या कला है इस विषय का गुप्त जी ने के विचार देखिए। ये तुम्हारी भावना की स्फूर्ति है, जो अपूर्ण कला उसी की पूर्ति है। हो रहा जो जहाँ सो हो रहा, यदि वही हमने कहा तो क्या कहा, किंतु होना चाहिए तब क्या, कहाँ व्यक्त करती है कला ही ये यहाँ। मानते हैं जहाँ कला के अर्थ ही स्वार्थ नहीं करते, कला को व्यर्थ ही। गुप्त जी ने इन पंक्तियों में अपनी कला विषयक मान्यता स्पष्ट कर दिए। प्रकृति में जीवन में जो अपूर्ण है कला उसी की पूर्ति है, जो जैसा है उसे वैसा ही कहना कला है, प्रत्युत जैसा होना चाहिए आदर्श वही कला है। कला कला के लिए मानने वाले स्वार्थी है। कला का प्रयोजन मानव जीवन को समाज के उन्नयन के लिए होना चाहिए। इस प्रकार प्रथम सर्ग में ही गुप्त जी ने न केवल अपने नवदंपति वार्ता के माध्यम से काव्य सौंदर्य की अभिवृद्धि और प्रत्युत सौंदर्य भाव और विचार सौंदर्य की अभिव्यंजना कर दी के कई मंत्रा संवाद, दशरथ द्वारा वचन दान, लक्ष्मण का क्रोध, राम द्वारा पिता की आज्ञा के का स्वीकार्य, राम वन गमन, निषाद मिलन, दशरथ मरण, भरत आगमन आदि घटनाएं के माध्यम से कथा आगे बढ़ती है। अष्टम सर्ग में कवि ने अनेकानेक नवीन भावों का समावेश किया है जो साकेत की आधुनिक विचारधारा की धरातल पर ला खड़ा करते हैं। सीता राम के साथ वन में जाकर एक नवीन आनंद अनुभूति का अनुभव करती है। कवि ने सीता के स्वावलंबन के माध्यम से नवीन भारतीय नारी को इसी त्याग, कर्मठता और स्वावलंबन जैसे भावों का उन्मेष की अपेक्षा की है। महलों में पली राजकुमारी सीता वन में जाकर न केवल अपना सारा काम करती है, प्रत्युत घड़ों से पानी लाकर पौधों को भी सींचती है। सीता इस वन साम्राज्य में रच बस गई है। वहाँ पेड़ पौधे पशु पक्षियों सभी से प्रेम करने लगती है। उसके साथ स्वजनों का आत्मपूर्ण व्यवहार देखने लायक है। नाचो मोर, नाचो कपोल के जोड़े, नाचो कुरंग तुमसे उड़ान को तोड़े। इतना ही नहीं, सीता वन में रहने वाली भोली किरात भील बालिकाओं का को चरखा काट कर वस्त्र बनाने और स्वावलंबन जीवन देने का पाठ पढ़ाती है। सीता वनवासियों के दुख में हिस्सा बटाकर उनके दुखों को अपना दुख समझ करके एक नवीन अनुभव करती है। गौरव क्या है, जन भार वहन करना ही, सुख क्या है, बढ़कर दुख सहना ही। सीता यही आकर शारीरिक श्रम को महत्व समझती है, जिनके माध्यम से न केवल कार्य सिद्धि होती है वरन स्वास्थ्य की उत्तम उपलब्धि भी होती है। श्रम करो, स्वेद जल स्वास्थ्य मूल में डालो, पर तुम यति का ये भी नियम स्वगति में पालो। सीता अयोध्यापुरी के राज्य में भी उत्तम स्वच्छंद राज्य एक प्रदेश से लाती है। निज सोच सदन में उटज पिता ने छाया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। इस प्रकार सीता जी के विचारों और क्रियाकलापों के माध्यम से गुप्त जी ने श्रम की महत्ता, स्वावलंबन भाव का निर्माण, वन में रहने वाले गिरिजनों का उद्धार, आधुनिक विचारों और भावों का समावेश किया है। और सच पूछा जाए तो रामायण की कथा भी नगरवासियों और शासकों के लिए, ग्रामीणों और वन्य जीवियों के लिए, जीवन को जानने वाले और समझने वालों के लिए एक उपक्रम कथा मात्र है। अष्टम सर्ग में गुप्त जी ने मौलिक उद्भावना के जो दर्शन होते हैं वहाँ उन्होंने केकई के परिताप को दिखाते हुए उसे कलंक मुक्त किया है। पश्चाताप से भरी हुई केकई कहती है, क्या कर सकती थी परी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह न सका निज विश्वासी। ये कहकर कातर होकर के वह कहती है कि युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में थी एक अभागिन रानी। पर श्री राम के सौहार्दपूर्ण व्यवहार से माता केकई कलंक मुक्त हो जाती है और प्रभु के साथ सारी सभा चिल्ला उठती है, सो बार धन्य हुए एक लाल की माई। गुप्त जी ने वीरणी उर्मिला को लक्ष्मण के क्षण भर मिलाप करा करके एक नवीन उद्भावना और एक नए उपक्रम
अष्टंग सर्ग में किया है। सीता लक्ष्मण को ताल संपुट में आने कुटिया के भीतर भेजती है, वहाँ वह उर्मिला को खड़ी पाते हैं। क्षण भर में वीरणी कृषकाय उर्मिला को देखकर लक्ष्मण भीग उठते हैं, एक दूसरे को देख करके भाव विनय हो जाते हैं। लक्ष्मण ने उर्मिला की कृषकाया को देखा और कहा जाकर, परंतु जो वहाँ उन्होंने देखा तो दीख पड़ी कायस्थ उर्मिला रेखा, ये काया है या शेष उसी की छाया, क्षण भर उसी उनकी कुछ समझ में नहीं आया। गिर पड़े दौड़ सौमित्र प्रियापद तल में, वह भीग उठी प्रिय चरण धरे दर्ग जल में। कभी हृदय की मार्मिक अनुभूति से इसकी सृजना कर साकेत को के भाव सौंदर्य को बढ़ा देते हैं। साकेत का नौम सर्ग तो मानव भाव सौंदर्य और कलात्मक सौंदर्य का आगार है। कवि ने इस अध्याय में लेखन को पूर्ण संपूर्ण अभिव्यंजन और कौशल प्रदर्शित किया। सच पूछा जाए तो साकेत चरित्र प्रधान का भी है और इसकी नायिका चिरवीरणी उर्मिला। अपने कर्तव्य पथ पर विचार कर प्रत्युत स्वेच्छा से वीरताप को झेलती हुई महलों में रह करके भी साध भी बनी रहती है। सीता जहाँ वन में रह करके रानी है, वही उर्मिला शोध सदन में रह करके भी वीरणी है। संपूर्ण नवम सर्ग में मानो प्रोषित पति का उर्मिला के आंसुओं से लिखा गया है। वह 14 वर्ष की सुदीर्घ अवधि को तिल तिल कर आंसुओं की धार से काटती है। उर्मिला के करुण भरे वीर चित्रों को देख करके कवि बहुभूति का स्मरण होता है, जिन्होंने करुण एकमेव रस कहा था। उर्मिला न केवल अनमनी रहती है ऋतुओं के साथ, पशु पक्षियों के साथ, प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करती है, वेदना के साथ आत्मीयता की अनुभूति कराती हुई आंसू बहाती है। गुप्त जी ने इस अध्याय में अत्यंत मधुर गीतों की सृजना की है, जो भाव प्रधानता और अभिव्यंजना कौशल की दृष्टि से हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। तू वेदना भली बनी दोनों ही प्रेम पलता है, आज मेरी निंदिया गूंगी मन में यो मत जानो, मेरी पृथ्वी का पानी दरसो बरसो घन बरसो, निरख सखी ये खंजन आए सखी निरख नदी की धारा शिशिर न फिर गिरिवन में अब और प्रियतम पाऊँ। इस प्रकार के अनेक गीत नवम सर्ग के अंदर कवि ने भर दिए हैं और सभी पद संगीतमय शैली का प्रयोग किया है। गीतों के भावों के अनुकूल भाषा का भी चयन किया और आरंभिक खड़ी बोली की कठोरता को मांझकर मधुरतम रूप में विकसित करने का ऐतिहासिक कार्य किया है। उर्मिला आकाश में उड़ते हुए बादलों पर अपनी वेदना की अभिव्यंजना करती है। वेदना जैसी सूक्ष्म अनुभूति को सखी के रूप में चित्रित करना गुप्त जी की कला का ही कौशल है। उर्मिला वेदना को भी अपनी सहेली पाती है। साकेत का काव्य वैभव अत्यंत समृद्ध है, उसमें शास्त्रविद नवरसों का न्यूनाधिक प्रयोग भी उपलब्ध है। श्रृंगार अंगिरस के रूप में उभरा है। कवि ने साकेत में शास्त्रीयता और नवीनता के साथ मनोहारी सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया है। भाषा शिल्प की दृष्टि से साकेत गुप्त जी की प्रौढ़ रचना के में आती है। साकेत में खड़ी बोली का सहज सरल स्वभाव साथ ही प्रौढ़ प्रांजल के रूप में प्रकट हुआ है। यद्यपि भाषा में अभिधात्मकता ही प्रधानता है, पर छायावादी युगानुरूप भाषा में लाक्षणिकता सूक्ष्मता मानवीकरण और माधुर्य के भी दर्शन होते हैं। अप्रस्तुत योजना बिंब योजना अलंकारों का नवीन प्रयोग स्तुत्य है। इसके अलावा कवि ने अन्योक्तियों समासोक्तियों प्रतीक योजना और ध्वनात्मकता शब्द चयन के माध्यम से भाषा को भाषानुकूल और गतिमय और जीवंत बनाया है। सारांश के रूप में दिखा जाए तो साकेत में वर्णित सभी गीत पद प्रगीत पद्धति और संबोधी गीत पद्धति पर लिखित निर्मित होकर भक्त कवियों की भांति आत्मनिवेदन पूर्ण दार्शनिकता और भक्ति भावनाओं से परिपूर्ण है। न छायावादी कवियों की भांति उसमें व्यक्तिकता और अविच्छिन्न भावुकता से समन्वित है। कवि ने प्रेम देशभक्ति पतिपरायणता करुणा संवेदना लोकहित तीव्र विरह वेदना पर दुख कातरता आदि का सुंदर चित्रण किया है। वहाँ न अनुभूति की गहनता है, न अभिव्यक्ति की सूक्ष्मता, न कलात्मकता ही। इस प्रकार साकेत में सभी गीत विविध भावों से परिपूर्ण होकर के सरसता और मार्मिकता और भक्तिकालीन गीतों की समकक्ष दिखाई देते हैं। इतना अवश्य है कि इन भावपूर्ण गीतों के कारण साकेत की संगीतात्मकता के गुण में वृद्धि हो गई है। साकेत में प्रबंध कल्पना की सूक्ष्मता और मधुरता की सृष्टि हुई है।
इन गीतों के माध्यम से सरसता, सरलता, सुस्पष्टता और भावाभिव्यक्ति भी हुई है। भाषा और भावों से परिपूर्ण सामंजस्य के साथ जितनी चित्रोपमा और सरसता होनी चाहिए उतनी सर्वथा इसमें पाई जाती है। यही कारण है कि ये ग्रंथ साकेत है, उसके काव्य सौंदर्य की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। साकेत के नवम सर्ग में यदि आप मुख्य रूप से देखें तो उर्मिला अपने त्याग से वंश की कालिमा को मिटा देती है। राम वनगमन दशरथ के कुल में कलंकित प्रसंग है। उर्मिला का पति लक्ष्मण राम के साथ वन में चला जाता है। एक उदात्त भाव है, परंतु इस उदात्त भाव के पीछे उर्मिला का त्याग है। उर्मिला को पति का वियोग सहना पड़ता है। वह अपने आत्मज्ञान को विस्मृत कर देती है। वह प्रिय के अनुराग को अपने जीवन को जीने का स्रोत समझती है। उसमें समर्पण और निष्ठा है। वह आरती की तरह जल करके भी सुगंध बिखेरती है। लक्ष्मण जब उर्मिला से मिलने उसकी कुटिया में प्रवेश करते हैं तब वह मात्र उर्मिला की छाया की रेखा ही देख पाते हैं। उर्मिला का मानना है कि नारी जीवन के लिए बंधन नहीं है, उसके परिवार और कुल की मर्यादा की रक्षा के लिए आत्म बलिदान करना ही अपूर्ण क्षमता या नारी का धर्म है। ऐसी भावना इसमें उजागर हुई है। इस प्रकार हम ये मान सकते हैं कि सादृश्य, साधर्म, वर्ण साम्य, प्रभाव साम्य आदि के उत्तम उदाहरण इस ग्रंथ में मिलते हैं। इस प्रकार ये ग्रंथ अभिव्यंजना सौंदर्य की दृष्टि से गुप्त जी का साकेत हिंदी साहित्य का श्रेष्ठ और कसौट महाकाव्य की कसौटियों पर खरा उतरने वाला ग्रंथ है। धन्यवाद।